दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर देखा जाए अपने देश के टेलीविजन के बारे में तो दो पहलू मैं केवल गिनाना चाहता हूं आपके सामने। पहला जो इस टेलीविजन चैनलों का काम रह गया है अपने देश में, सूचना और संवाद का जो जरिया होता है मीडिया, जो उसका एक मकसद हर पाठ्य पुस्तक में, समाज के हर शास्त्र में कहा जाता है कि मीडिया का मतलब सूचना और संवाद, मीडिया का मतलब सूचना और ज्ञान, बिल्कुल नहीं। दोस्तों अपने देश में हम मीडिया की बात हम करें तो प्रिंट में अभी भी एक बड़ा तबका है, और नई जो एक विधा आई है हमारे मीडिया में वो वेबसाइट्स, इनमें भी है कि वहां सूचना और संवाद की गुंजाइश फिर भी बची हुई है। लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में कुछ एक अपवादों को छोड़कर, और मैं चैनल को अपवाद नहीं कह रहा हूं, सिर्फ चैनलों के कुछ एंकर्स के प्रोग्राम को अपवाद कह रहा हूं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो टेलीविजन चैनलों का सूचना और संवाद से कोई रिश्ता नहीं रह गया है। दरअसल ये सारे के सारे चैनल कोलाहल का कारोबार बनकर रह गए हैं, और कोलाहल का मैं कारोबार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों सूचना और संवाद की जगह, क्योंकि इस कोलाहल के पीछे निश्चित रूप से इनका भी कोई कारोबार है, और ये जो कारोबार है ये कारपोरेट और सियासतदान, यानी हमारा सत्ता तंत्र और कारपोरेट दोनों का मिला जुला कारोबार है। इसमें टेलीविजन चैनलों को केवल, बहुत सारे लोग अपने देश में कह देते हैं कि साहब अमुक टेलीविजन चैनल ने टीआरपी के लिए ऐसा किया, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। अपने भारत के मीडिया में अपने 37 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, और टेलीविजन चैनलों को इतने सालों से मैं देख रहा हूं, टेलीविजन चैनल एक चैनल में काम करने का मौका मिला, देश के जितने प्रमुख चैनल हैं लगभग सब पर मैंने एक उनके एक्सपर्ट के रूप में मेरी उपस्थिति रही लगातार। हाल के वर्ष में, पिछले वर्ष मैंने एक फैसला किया कि अब मैं टेलीविजन चैनलों की डिबेट्स में नहीं जाऊंगा, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपने निजी अनुभव के आधार पर और एक सामाजिक जो सूचना है उसके आधार पर, कि हमारे देश के टेलीविजन चैनल सिर्फ दो काम कर रहे हैं। एक तो कुछ खास लोगों के लिए समाज में ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, ओपिनियंस की वो चर्चा नहीं कराते, वहां डिबेट्स में ये नहीं है कि तरह तरह की ओपिनियन आए और उस पर चर्चा हो, बिल्कुल नहीं, वो ओपिनियन को स्थापित कर रहे हैं, एक खास ढंग की वैचारिकी बना रहे हैं। किन लोगों में? वो लोग नहीं जो वहां स्टूडियो में बैठकर बात करते हैं, जो सुन रहे हैं, जो महाशय, जो समाज के लोग सुन रहे हैं उनके बीच वो माहौल बनाते हैं, मानस बनाते हैं, मेंटेलिटी तैयार करते हैं, लोगों के दिमागों पर कब्जा करके वो बताते हैं कि आपको ऐसा होना पड़ेगा। ये कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वो एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जो स्टूडियो में माहौल क्रिएट करते हैं वैसा माहौल पूरे देश में बन जाए। और दूसरा काम क्या करते हैं? जो लोग इस सिस्टम, इस तंत्र से असहमत हैं, जो वाकई कुछ नया सोच रहे हैं, उनके विरुद्ध ये षड्यंत्र की सीमा को लांग कर हर तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे हाल के दिनों में प्रोफेसर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे फिल्मकार हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं फिल्मों के, इनके खिलाफ भी एक कैंपेन, एक अजीब तरह का दुष्प्रचार का अभियान आप टेलीविजन चैनलों पर देखते होंगे, वह भी एक योजनाबद्ध इनका एजेंडा है दोस्तों। और हमें अपने 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में जो मीडिया इंडस्ट्री है, जिसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट टेलीविजन इंडस्ट्री है, आखिर क्या वजह है कि ये डेमोक्रेसी का जिसको मजबूत खंभा बनना चाहिए था, वो डेमोक्रेसी को इरोज करने वाले, कमजोर करने वाले, उसका हरण करने वाली जो शक्तियां हैं अपने देश में, जो ट्रेंड्स हैं, जो 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 प्रवृत्तियां हैं, उनका वह मुखर प्रवक्ता बनता जा रहा है। इसके पीछे दोस्तों कहानी यह है कि अपने
हमारे मीडिया में किसी तरह की डाइवर्सिटी नजर नहीं आती। आप दुनिया के दूसरे पूंजीवादी मुल्कों में भी देख लीजिए, बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज है वहां देख लीजिए, क्या आपने ऐसी कोई डिबेट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश में भी, क्या कभी आपने इस तरह की डिबेट देखी होगी कि 8 खिड़कियां खुलती हैं शाम को टेलीविजन के पर्दे पर और चीखते हैं लोग, चिल्लाते हैं लोग, उसमें एक भाजपा का प्रवक्ता होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, एक विश्व हिंदू परिषद का भी प्रवक्ता कभी कभी दिख जाता है, अदरवाइज संघ विचारक होता है, एक तीसरा चौथा भी आदमी होता है जो सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक होता है, जिसको कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले, कि वो संघ विचारक के रूप में आता था, बाद में वो राजनीतिक विश्लेषक हो जाता है। तो कुल मिलाकर 8 जो खिड़कियां खुलती हैं या 6 जो खिड़कियां खुलती हैं, विंडो बनता है, उसमें 4 या 5 लोग एक ही तरह के होते हैं। एक अगर कोई हिंदू मुसलमान की डिबेट है तो एक उसमें मुस्लिम प्रवक्ता हो जाता है, कोई अगर वो आ गया है कोई टोपी वाला प्रवक्ता तो उसके साथ एक और स्कॉलर कोई होता है कोट टाई पहने हुए, और वो मुस्लिम स्कॉलर होता है और वो भी भाजपा या संघ परिवार की विचारधारा के साथ खड़ा हो जाता है, और इस तरह से कुल मिलाकर डिबेट शुरू होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा क्या आपने देखा है? अगर कोई कोरोना पर बात करता है टेलीविजन किसी देश का, तो वो क्या इस तरह की डिबेट कराता है जिसमें राजनीतिक दलों के लोग, जिनको की बेसिक जानकारी नहीं है किसी भी संक्रमण रोग के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, आमतौर पे अगर कोई ऐसा राजनीतिक नेता है जो वाकई विज्ञान से और इस तरह के मामलों को जानकार नहीं है, उसको फिर बुलाने का क्या औचित्य है? लेकिन अपने देश में तो यही हो रहा है। और दोस्तों, इसके पीछे एक मकसद है, इसके पीछे कहानी है। क्यों? क्योंकि इन टेलीविजन चैनलों का मकसद कोई सूचना देना नहीं है, किसी तरह की समझदारी विकसित करना नहीं है, इनका काम केवल आपके दिमागों को कूड़ा करना है, आपके दिमागों में एक खास ढंग का सोच इंजेक्ट करना है, आपके दिमागों को अपने लायक बदलना है। और दोस्तों, ये एक अलायंस है, इस अलायंस के पीछे जो मौजूदा सत्ता संरचना है, उस पर जो काबिज शक्तियां हैं और जो कॉरपोरेट है और जो इसमें काम करने वाले टेलीविजन चैनलों के एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का, जब मैं कहता हूं तो बिल्कुल साफ, मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि भारत का टेलीविजन हो या भारत का व्यापक मीडिया समूह हो, उसमें कोई सोशल डाइवर्सिटी नाम की चीज नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है कहीं तो वो कुछ रीजनल जगहों पर मिल जाएगी, वेबसाइटों में मिल जाएगी, अदरवाइज आपको भारत के टेलीविजन के बड़े हिस्से में कोई डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो ये एक कारण है कि जिस तरह के लोग मौजूदा सत्ता संरचना के जो समूह समाज के सबसे अधिक मुखर समर्थक हैं, उन्हीं समुदायों के लोग संजोगवश संपादक हैं और एंकर हैं और उसके निर्धारक हैं, सब कुछ वही तय करते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने आपको आपसे शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात दोस्तों, मुझे एक फिल्म याद आ रही है, कुछ समय पहले देखी थी मैंने, उसका नाम था होटल रवांडा। होटल रवांडा में दोस्तों ये कहानी है रवांडा की, जो एक मध्य अफ्रीकी देश है, जहां 1994 के दरमियान अप्रैल और जुलाई के महीने में भारी कत्लेआम हुआ था और कई लाख लोगों को मारा गया था महज 100 दिनों के अंदर। और दोस्तों, उसके पीछे कहानी ये थी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के दिमागों में माइनॉरिटी कम्युनिटी के या इवन मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लिबरल्स या समझदार लोग थे, तरक्की पसंद लोग थे, उनके लिए जहरीला माहौल बना दिया गया। और ये काम किया था एक रेडियो ने, क्योंकि उन दिनों टेलीविजन का दौर नहीं था उस तरह से, तो उस रेडियो का नाम था रेडियो रवांडा। रेडियो रवांडा वहां हमलावर बनकर सामने आया था, वो विचारों को फैलाता रहा, उन विचारों को जो लोगों को आक्रामक बनाते हों, उनके बेडरूम में, उनके किचन में, उनके ड्राइंग रूम में रेडियो खुला हुआ है और रेडियो पर इसी तरह की बातें आ रही हैं, लोगों के दिमागों में किसी के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। दोस्तों, आज वही हाल है, आज टेलीविजन में अचानक किसी प्रोफेसर के खिलाफ अभियान चलना शुरू हो जाता है, अचानक उसको दंगाई बताने लगता है कोई टेलीविजन, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के। क्यों? क्योंकि वो एजेंडा है, जो मौजूदा तंत्र है वो नहीं चाहता कि कोई असहमति की आवाजें उठें,
चाहे वो वकील की आवाज हो, चाहे वो किसी प्रोफेसर की हो, किसी पत्रकार की हो, किसी मानवाधिकारवादी की हो, किसी फिल्म एक्टर की हो, किसी निर्देशक की हो। और यही वजह है दोस्तों कि टेलीविजन को औजार बना दिया गया है, क्योंकि लगता उनको है कि टेलीविजन किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा कारगर है। और दोस्तों आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि भारत के टेलीविजन का बड़ा हिस्सा हमारे देश की मौजूदा जो सत्ता संरचना है उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है, उसके लिए वो सबसे कारगर, सबसे ज्यादा संप्रेषण करने वाला, सबसे अधिक जो प्रेषित करने वाला संदेश, जिसके पास कम्युनिकेशन की क्षमता है और जिसको आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, या जो अल्प शिक्षित है, या पढ़कर भी जो अनपढ़ है, जिसको नई चीजें समझ में आ रही हैं, जिसने हिस्ट्री, समाज और दुनिया के बारे में नहीं जो जाना है, वो उसको ये लगता है कि टेलीविजन में जो बात कही जा रही है वही सच है। इसकी जो पूरी जमीन तैयार की गई वो आर्थिक सुधारों के बाद ही अपने देश में टेलीविजन इंडस्ट्री, खासकर प्राइवेट चैनलों का तांता लग गया। आज देश में 1400 चैनल हैं, इनमें 450 चैनल न्यूज के हैं, और आप जानते हैं इनमें से ज्यादातर चैनलों को जो शुरुआत कराई गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दरमियान कराई गई थी। आज के जितने इस तरह के चैनल हैं जो राजनीतिक औजार बने हुए हैं, जिनका सूचना और संवाद से कोई जरिया नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनमें तकरीबन 90% क्या लगभग 99% चैनल उसी दौर के हैं। कुछ के नाम बदल गए हों वो अलग बात है, कुछ एक दो चैनल जो बात के खुले हैं वो मौजूदा रिजिम में खुले हैं, कुछ यूपीए के रिजिम में भी खुले, लेकिन भारत में प्राइवेट चैनलों की शुरुआत सर्वाधिक बड़े पैमाने पर अगर कभी हुई तो वो एनडीए 1 के दौरान हुई। और दोस्तों ये महज संयोग नहीं है कि उसके जो उस दरमियान भी एडिटर्स बैठाए गए, जो उनमें ज्यादातर लोग उनके मैनेजमेंट में लाए गए, वो एक खास ढंग की सोच और वैचारिकी के साथ से लैस लोग थे। और आज वही जमीन जो है वो बेहद भयानक हो गई है, क्योंकि राजनीतिक ताकत बढ़ने के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में उस समय जो एक 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 थोड़ी सी जो उदारता नजर आती थी, थोड़ी सी जो डाइवर्सिटी विचारों की लगती थी, वो भी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो बात मैं कहना चाहता था कि बहुत जो 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 काबिले गौर है कि कैसे राजनीतिक चैनल हमारे यहाँ एक खास वैचारिकी, एक खास तंत्र के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह उसके उपकरण बनकर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि दलित किसी समाज का कोई लड़का अगर तबाह कर दिया जाता है तो उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठती, लेकिन आप देखिए अगर दलित समाज का आदमी कहीं कोई आवाज उठाता है तो फौरन उसको उग्रवादी कह दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी के सबसे बड़े चैनल में भी अगर कोई किसी कथित सेना का आदमी आकर के तलवार लेकर स्टूडियो में बैठता है तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई तलवार लेकर कोई सेना का, कथित सेना का आदमी क्यों ये बहस कर रहा है किसी फिल्म के चलने या उसको न चलने देने के बारे में। तो टेलीविजन इंडस्ट्री भारत में दोस्तों जनतंत्र के खिलाफ एक मुहिम के तौर पे हमारे सामने आई है, जिसे जनतंत्र का पहरुआ बनना चाहिए था वो जनतंत्र के विनाश के अभियान में स्वयं शामिल हो गई है। ये आज का सबसे बड़ा दुखांत है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपको स्वाधीनता दिवस के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। Thank you.